Thank you so much each and everyone for your valuable support. Now support value start from 29 rupees only. आर्ट में जितने भी इंटरेस्ट रखते हैं ना या फिर आर्ट के बारे में जानते हैं तो पोर्ट्रेट ज़रूर बनाना चाहते हैं, और पोर्ट्रेट बनाने के लिए कौन कौन से बेसिक मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है वो सब मैं आज बताने वाला हूँ आपको। और ये कन्फ्यूजन सबका ही रहता, इनफैक्ट मेरा भी था। तो कितना प्रैक्टिस करके मैंने R&D करके कुछ मटेरियल्स के कलेक्शन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि आपके लिए बहुत सफिशिएंट है। इनफैक्ट बिगनर्स के लिए भी है, इंटरमीडिएट के लिए भी है और प्रोफेशनल्स के लिए भी है। तो ये जो क्वेश्चन लिया है मैंने, आपके ही एक क्वेश्चन लिया है, एक हमारे जो सब्सक्राइबर है उनका क्वेश्चन लिया। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप कमेंट ज़रूर किया कीजिए, और ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना मैं लेता हूँ और एक एक वीडियो बनाता हूँ। तो इससे पहले मैंने आपको वीडियो बनाया था एक, जिसमें आपको बताया था कि बेसिक मटेरियल कौन कौन सा है बिगनर्स के लिए। तो ये तो बात हो चुकी है, आज मैं आपको बात करूँगा पोर्ट्रेट के लिए बेसिक मटेरियल क्या ज़रूरत है। तो इसमें कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि एक है पेपर, पेंसिल, और है ब्लेंडिंग के लिए, और तीसरा है आपको फिनिशिंग टच के लिए, जैसे कि हाईलाइट होते हैं या फिर हेयर कर्ली हेयर से या फिर जो बिखरे हुए हैं, तो वो सब के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं पेपर। पेपर का कन्फ्यूजन ऑलमोस्ट 99% लोगों का है जो भी इस फील्ड में आते हैं, तो उनको ये पता नहीं होता कि कौन सा पेपर बेस्ट होता है। बहुत सारे लोग अभी भी प्रिंटर पेपर पे काम कर रहे हैं, जबकि प्रिंटर पेपर में वो आपको नहीं मिलता है, प्रिविलेज नहीं मिलता है, या फिर उसको इंडिपेंडेंसी नहीं मिलती जिससे कि आप कहाँ तक एक आउटपुट लेके आ सकते हैं। इनफैक्ट मैंने बहुत टाइम तक मैंने यूज़ किया है प्रिंटर पेपर ही, लेकिन आज आपको बता रहा हूँ मैं कि अभी जब भी पोर्ट्रेट, आप पोर्ट्रेट लेवल तक आ गए हो, यानी कि आप बिगनर लेवल से थोड़ा ऊपर उठ चुके हो जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैंने बताया है लोगों को, यूट्यूब पर बताएं। तो अगर आप नहीं जानते तो प्लीज़ जाइए और डे वन, डे टू, डे थ्री से ऐसे कीजिए, तो इसके बाद आप पोर्ट्रेट पे आ चुके हो, यानी कि एक लेवल क्रॉस कर चुके हो। तो आपको पेपर में भी आपको चाहिए एनहांसमेंट चाहिए, पेंसिल में भी चाहिए, और ड्राइंग टूल्स जो है ना अभी तक जो भी थे अब उससे ऊपर उठना पड़ेगा, क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी, तो आपको मोड्स भी चेंज करने पड़ेंगे। तो पेपर के बारे में मैं आपसे बात करूँगा। पेपर, जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि GSM क्या होता है। GSM होती है थिकनेस, पेपर की थिकनेस होती है, क्वालिटी होती है। तो अभी तक जितने हम लोग करते थे 70 या फिर 100 GSM पे करते थे, अभी हमें उसकी भी क्वालिटी बढ़ानी है। तो उसके लिए मैं एक पेपर सजेस्ट करूँगा जो कि मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है, और वो है ब्रुस्टो का 160 GSM A4 साइज़ का मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। और इसके कुछ पोर्ट्रेट्स हैं जो कि अभी आप देख रहे हो, ये पोर्ट्रेट्स मैंने इसी बनाए हैं, A4 साइज़ में बनाए। और कुछ कुछ जो है मैंने, जैसे कि ये कॉस्टली थोड़ा होता है, जैसे कि 495 समथिंग में आपको 100 पेजेस आ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको पोर्ट्रेट बड़ा बनाना है या फिर मैं थोड़ी सी इकोनॉमिकल चाहिए, तो मैं A3 साइज़ का ख़रीद लेता हूँ मैं, और जब भी A4 साइज़ का बनाना हो तो ये मैं हाफ कट कर लेता हूँ मैं, तो हो गया ना, थोड़ा इकोनॉमिकल हो जाता है, तो ये 700 समथिंग में आ जाता है। तो इसमें भी 100 पेजेस होते हैं, तो ये आपको क्या होता ना कि आपको 350 में ही आपको A4 साइज़ का हो गया, लेकिन आपको बस यही करना होगा कि हाफ कट करना पड़ेगा तब A4 साइज़ का होगा। लेकिन फेयर इनफ, क्योंकि आपको A3 साइज़ का भी मिल रहा है ना, तो बड़े पोर्ट्रेट आप कमीशन वर्क अगर बनाते हो ना तो उसके लिए बेस्ट है ना पेपर। तो ये हो गया A3 साइज़ का पेपर, और इसका जो क्वालिटी है वो है 160 GSM। ये दोनों जो है आप ले सकते हो, ये दोनों आपको मिल जाएंगे, अमेजन से मिल जाएंगे। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी जाओगे तो आपको मिल जाएगा 160 GSM, मैं मेंशन कर दूंगा, आप वहां से बाय कर सकते। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इस पेपर के बाद आपको क्या करना है। जैसे कि ये पेपर पे हम क्या कर सकते हैं, ये पेपर पे आप चारकोल ड्राइंग कर सकते हो। चारकोल बहुत अच्छा, क्योंकि इसमें थोड़ा ग्रेनी इफेक्ट होता है, ग्रेनी इफेक्ट होने के कारण ना ये स्मज बहुत अच्छा होता है। हाँ, बस थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, जैसे कि आप पेपर वगैरह आप रख लो जब भी आप शेडिंग कर रहे हो या फिर आप ब्लेंडिंग कर रहे हो, तो क्योंकि स्मज ज़्यादा होता है, और कोई भी हल्की पेंसिल भी ना इस पर डार्क ज़्यादा चलती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद इस पर चारकोल कर सकते हो, कलर पेंसिल भी कर सकते हो, इनफैक्ट इसमें ग्रेफाइट पेंसिल भी कर सकते हो। मैंने बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक वर्क भी किया इसमें। अब तो ये बात हो गई कि रियलिस्टिक वर्क किया है या फिर आप आर्टिस्टिक वर्क करते हो ना, तो ये सबसे बेस्ट पेपर है, आप ले सकते हो। मैंने बहुत सारे ट्राई किए और बहुत सारे मैंने ट्राई नहीं भी किए, लेकिन जितने मैं जानता हूँ ना और जितने मैं देखा है मैंने, तो ये 160 GSM ब्रुस्टो का वो बेस्ट है। इसके बाद आ जाते हैं रियलिस्टिक वर्क के लिए। रियलिस्टिक वर्क के लिए थोड़ा सा आपको पैरामीटर क्या होता है ना कि थोड़ा सा जो ग्रेनी होता है ना, थोड़ा सा स्मूथ रहता है, थिकनेस भी बढ़ जाती है। और थिकनेस बढ़ जाने से क्या होता है ना कि अगर आप पेंसिल को कई बार हम लेयरिंग बनाते हैं, जैसे कि कई सारे लेयर बनाते हैं पेंसिल, जैसे ग्रेफाइट पेंसिल का हो गया या फिर कलर पेंसिल का हो गया, तो हम लेयर ज़्यादा बनाते हैं, जैसे कि आपको
टू एच पेंसिल से बनाया मैंने, फिर 2B यूज़ किया, 4B यूज़ किया, इससे क्या होना कि एक ग्रेविटी, एक डेप्थ आता है, डेप्थ आता है तो और ज़्यादा रियलिस्टिक आता है वो, उसके लिए पेपर अच्छा होना चाहिए। तो मैंने A4 साइज़ का ही पेपर लिया है, ब्रूस्टो का ही है, 200 GSM, ये पेपर आप ले सकते हो, ये बहुत अच्छा। जैसे अभी मैंने आई का ड्रॉ किया था ना, अभी आप देख रहे हो, ये आई का ड्रॉ मैंने इसी पेपर पे किया है, और बहुत सारे पोर्ट्रेट हैं जो लाइनअप में हैं आपको इसी पेपर पे आने वाले हैं, तो ये पेपर आप यूज़ कर सकते हो कलर पेंसिल के लिए भी और ग्रेफाइट पेंसिल के लिए भी। चारकोल के लिए तो मैं सजेस्ट करूँगा 160 GSM ही बेस्ट है। आप इस पे अगर करना है, आपको अगर रियलिस्टिक वर्क करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये तो बात हो गई रियलिस्टिक वर्क। एक और कैटेगरी है जिसको कहते हैं हाइपर रियलिस्टिक। हाइपर रियलिस्टिक मीन्स कि एकदम फोटो जैसा आप देखते हो वैसा, फोटो रियलिज्म कहते हैं हम उसको, एकदम फोटो जैसा आपको अगर चाहिए, थोड़ा उसमें जो स्मूथनेस होता है ना और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं बात कर रहा हूँ अभी स्मूथ पेपर का, तो जिसको कहते हैं अल्ट्रा स्मूथ, ये भी ब्रूस्टो का ही है। वैसे मैं कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ ब्रूस्टो का, लेकिन मेरे मुझे जो पेपर्स अच्छे लगे वही मैं आपसे बता रहा हूँ। और ये जो ब्रूस्टो है वो 250 GSM, इसकी थिकनेस और ज़्यादा है, और इसका जो है आप देख रहे हो, और इसमें स्मूथनेस ज़्यादा अच्छी है, इस पर क्या ना स्किट करता है, जो कलर्स है ना बहुत अच्छे से फैलता है, इसमें आपको ग्रेन्स नहीं आते। ग्रेन्स जैसे आपको देखने में लगते हैं, जैसे आप जूम करोगे ना तो उसमें ग्रेन्स देखते, एकदम स्मूथनेस नहीं रहती है। तो यहाँ पे एक हल्के से एफर्ट से ही आप स्मूथनेस लेके आ सकते हो, एक रियलिस्टिक टच दे सकते हो कलर पेंसिल से भी, और आप दे सकते हो ग्रेफाइट पेंसिल से भी। तो ये पेपर बेस्ट है हाइपर रियलिस्टिक के लिए। तो ये मैंने तीनों कैटेगरी आपको दे दिया, एक नॉर्मल जो कि उसके बाद है आप जो नॉर्मल, जैसे मैंने आपको बताया आर्टिस्टिक कर सकते हो, दूसरा रियलिस्टिक है, रियलिस्टिक भी बता दिया मैंने, और इसके बाद हाइपर रियलिस्टिक भी बता दिया। तो ये जो कैटेगरी है ना पेपर का, वो कंप्लीट हो चुका है। बहुत जल्दी ही मैं आइवरी पेपर पे भी करने वाला हूँ, और प्लीज़ वीडियो देखते रहिएगा। तो ये तो बात हो गई मेरी अभी फर्स्ट पेपर के बारे में। अब बात करते हैं पेंसिल, पेंसिल कौन सा बेस्ट है इसके लिए। मैं आपको बता दूँ, जब भी मैंने आपको बताया पोर्ट्रेट पे आ चुके हैं, तो आप एक लेवल तक ऊपर जा चुके हो, इसका मतलब कि आप अप्सरा और आर्ट लाइन की पेंसिल को अभी नीचे रख सकते हैं। अब ऊपर उठने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक पेंसिल, दो पेंसिल चाहिए। पेंसिल में जो सबसे पहला है वो है बियानियो का पेंसिल। बियानियो का पेंसिल मैंने कंपेयर किया है अदर पेंसिल, अदर ब्रांड जो भी थे ना वहाँ पे, वो मैंने कंपेयर किया। इनफैक्ट वीडियो भी आप देख सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हो। ये पेंसिल ड्यूरेबिलिटी में और डार्कनेस में और स्मूथनेस में सबसे बेस्ट लगा मुझे। तो ये आप परचेस करना चाहिए, और परचेज़ मतलब मेरी तरफ से हाईली रिकमेंड है कि आप इसको परचेज़ कीजिए, क्योंकि इसे मैंने बहुत सारे जो अभी आई भी है या फिर पोर्ट्रेट मैंने जितने भी किए ना, मैंने इससे ही किए, और ये मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ इंटरमीडिएट के लिए। जैसे कि आप पोर्ट्रेट बनाते रहे हो, यानी कि आप इंटरमीडिएट लेवल पे आ चुके हो, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा एक और पेंसिल है, ये तो थोड़ा इकोनॉमिकल होगा, 300 के करीब में आप ले सकते हो इसको। और एक और पेंसिल है, वो है स्टेडलर का। तो स्टेडलर थोड़ा कॉस्टली होता है, ये आपको ऑलमोस्ट 655 या फिर आप 600 के अराउंड में आ जाएगा, 6 पेंसिल्स जिसका कॉस्ट पर पेंसिल 100 रुपीज़ आ जाता है। तो इसमें अभी क्या करना है, जिसको आपको कमीशन वर्क है या फिर बहुत ज़्यादा हाइपर रियलिज्म बनाना है ना, हाइपर रियलिस्टिक बता रहा हूँ मैं, तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसकी डार्कनेस और हर चीज़ों में ये बेस्ट है, लेकिन कॉस्ट में भी तो बेस्ट है। तो इन दोनों पेंसिल का आप यूज़ कर सकते हो। पेंसिल के बारे में बात हो गई, अब हम बात करते हैं कलर। कलर पेंसिल से भी हम पोर्ट्रेट करते हैं, तो उसके लिए कौन सा यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अभी बिगनर्स को बताया था कि डोम्स का पेंसिल लो, डोम्स का पेंसिल अच्छा होता है, उसकी स्मूथनेस जो होती है ना वो अच्छी होती है। अब इंटरमीडिएट लेवल पे हमें क्या यूज़ करना चाहिए, अभी तक मैं यूज़ करता हूँ स्टेडलर के पेंसिल। ये जो पेंसिल देख रहे हो आप, ये स्टेडलर के पेंसिल है, ये मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स भी हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ये मैंने सबसे ज़्यादा अगर यूज़ किया ना तो इसको ही यूज़ किया बस। लेकिन पोर्ट्रेट के लिए मैं एक और कलर पेंसिल है वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, वो कौन सा है पता है आपको, क्योंकि इसमें ना मुझे उतने प्रिविलेज नहीं मिला है, इतने कंट्रोल्स नहीं मिला है कि इस पेंसिल से मैं पोर्ट्रेट कर पाऊँ, मैं पोर्ट्रेट के जो कलर्स होते हैं ना वो मैं निकाल पाऊँ। इसके लिए मैंने एक और R&D करके मैंने एक बनाया है जो कि स्पेशली पोर्ट्रेट्स के लिए है, कलर पोर्ट्रेट्स के लिए। वॉरिसन का देख रहे हो, वैसे तो आपको बहुत सारे ब्रांड मिलेंगे, लेकिन मेरी क्या R&D होती है ना कि ये थोड़ी सी इकोनॉमिकल भी हो, कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो और इफ़ेक्टिव हो पेपर पे। तो ये जो है ना आप इसको आप यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने आपको दो पेंसिल कलर पेंसिल के बारे में बताते, स्पेशली आपको पोर्ट्रेट्स के लिए है। तो ये बात हो चुकी है पेंसिल की, और अभी बात हो चुकी है हमारी
पेपर की भी बात हो चुकी है, इसके अलावा और कौन कौन से ब्लेंडिंग के लिए ज़रूरत है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ब्लेंडिंग के लिए बहुत सारे टूल हैं, जैसे कि आप टिश्यू पेपर यूज़ कर सकते हो जो कि बहुत आपके घर में ही अवेलेबल रहता है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ईयरबड्स ले सकते हो, ईयरबड्स भी आपके घर में मिल जाता है। इसके अलावा एक सबसे ज़्यादा मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ और वो है मेकअप का जो ब्रशेज़ होते हैं वो, जैसे कि एक तो मैं सबसे ज़्यादा फ़ैन हूँ मैं इसका, जो फोम देख रहे हो पैडिंग, ये इसका जो ये जो वेगा का जो है, इसमें इतना ज़्यादा स्मूथनेस आता है ना। आप अल्ट्रा स्मूथ पे बना लो या फिर आप 160 GSM पे बनाओ या 200 GSM पे बनाओ, सब में बहुत अच्छा है, स्मूथ है। और इसकी जो आप हल्का सा थोड़ा पहले कंट्रोल करना पड़ेगा, कंट्रोल आपने सीख गया ना आपने, तो ये बहुत ज़्यादा ही आपको किसी और टिल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा ये है आपको ब्लेंडर, ये ब्रश है इनफैक्ट, क्योंकि आपको हर पूरे बड़े सरफेस के लिए आपको ब्लेंड करना हो ना, कहीं शिफ्ट करना हो, चारकोल हो या फिर आप ग्रेफाइट पेंसिल हो, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो और ये बहुत अच्छे से हर जगह स्प्रेड करता है। इसमें भी कई सारे ब्रिसल्स हैं छोटे एकदम नज़दीक के लिए, तो ये सब आप यूज़ कर सकते हो। ये जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ले सकते हो। ये जो प्रोडक्ट है ना, ये बहुत ही हाईली रिकमेंड्स हैं जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए स्पेशली मैं आपको पोर्ट्रेट का ट्यूटोरियल लेके आया हूँ मैं। तो ये मैंने बताया आपको कि जो ब्लेंडिंग के लिए आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हैं, और टिश्यू पेपर, जैसे मैंने आपको टिश्यू पेपर, ईयरबड्स हैं, आप चाहे तो पेपर स्टैम्प का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत कम यूज़ किया, और सबसे ज़्यादा मैंने यूज़ किया तो ब्रश, मेकअप ब्रश का यूज़ किया। इसके अलावा जो फोर्थ पॉइंट है आपका हाईलाइट या फिर एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं ना, जो आपको इफ़ेक्टिव, जैसे कि एक्स्ट्रा आपको इफ़ेक्टिव इफ़ेक्ट देते हैं वो लोग, वो हैं ये कुछ चीज़ें। जैसे मोनो इरेजर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जितने भी डिटेल्स हैं ना, आई के हैं या आई लैशेस के हैं, हर जगह इनफैक्ट स्किन के जो एक एक जो आप निकले होते हैं ना, जो भी आपके डिटेल्स होते हैं ना, हाइपर रियलिस्टिक हो, रियलिस्टिक हो, सबके लिए ये हाईली रिकमेंडेड है मोनो इरेजर, ये आप ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ कुछ जो आप देखते हो हेयर पे स्पेकुलर होते हैं, स्पेकुलर क्या होते हैं, एकदम हाईलाइट ऐसे होते हैं ना कि जो आप डॉट्स दिखते हैं ना, वो स्किन पे भी हल्के हल्के डॉट्स दिखते हैं, तो इसमें आप वाइट जेल पेन का यूज़ कर सकते हैं, जो कि सकुरा भी है, यूनिबॉल भी है। और इसके अलावा जब आप हेयर बनाते हो, हेयर बनाने के बाद अगर आपके पेंसिल जो है 6 भी है या 4 भी है, तो घिसते घिसते थोड़े मोटे हो जाते हैं ना, तो आप हेयर जो है ना, एक्स्ट्रा हेयर जो आप बाहर निकले होते हैं थोड़ा, अभी क्या ना सारे बाल चिपके नहीं होते, वो थोड़े बहुत बिखरे होते हैं ना, बिखरे बनाने के लिए जो कि एक नेचुरल लुक आता है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी तो स्ट्रेटलर का लिया है, लेकिन आप एक नॉर्मल पेंसिल भी ले सकते हैं जो कि 0.5 है, 0.5 आप यूज़ कर सकते हो। और ये जो पेंसिल है ना, ये मैं कहता हूँ कि आप आई लैशेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कोई नज़दीक में जो एकदम आपको आर्टिस्टिक वर्क है ना, हैचिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं आप, बाहर जितने भी हेयर के हैं ना, वो आपको, क्योंकि ये घिसता भी है ना, तो 0.05 ही रहता है, ये एक बेनिफिट। तो ये कुछ मैंने टूल्स जो हैं आपको बता दिए, और ये टूल्स के साथ ही आप पूरा का पूरा आप कर सकते हो पोर्ट्रेट ड्राइंग। आप बिगनर हो, बिगनर से ऊपर उठ गए हो, जनरली बिगनर से ऊपर ही उठ जाते हैं तभी पोर्ट्रेट स्टार्ट करते हैं, तो आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो या फिर आप प्रोफेशनल लेवल पे हो, तो सबके लिए ये जो प्रोडक्ट्स हैं ना, बहुत अच्छे हैं। और ये जो प्रोडक्ट है मैंने आपको बताया है कि आप इसको यूज़ कीजिए। कहाँ से लेना है, आपके नियरेस्ट मार्केट में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मैंने एक सेक्शन ही बनाया है जिसमें आपको सारे पोर्ट्रेट के सारे टूल्स मिल जाएंगे और आप ले सकते हैं। तो ये था आज का हमारा एपिसोड, जिसमें मैंने आपको बताया कि पोर्ट्रेट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा मेरा एक व्लॉग चैनल भी है, जिसमें से बहुत सारे लोग आप लोग नहीं देखते हो, देखते भी तो सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और आप वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए। आप मुझे एक वैल्यूबल सपोर्ट भी दे सकते हैं, 29 rupees से स्टार्ट, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, तो वो कीजिए। और मिलते हैं अगले एपिसोड में, कमेंट ज़रूर कीजिए, जिस कमेंट के बेस पर ये एपिसोड बनाया मैंने। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।